सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, बहुत अहम इंटरव्यू है। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, सरबरा हैं जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, मौलाना फजल रहमान। जी मौलाना साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा मौलाना साहब, आज तफाकन आप काफ़ी दूर हैं हमसे, और हमेशा हमने कोशिश की कि आपके साथ करीब हो के इंटरव्यू रखें। कुछ टेक्निकल्स और कुछ वक्त और हालात भी ऐसे हैं, इलेक्शन का ज़माना है, तो हम आपको इंटरव्यू कर रहे हैं दूर से। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे है कि आप समझते हैं कि सर 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा? क्योंकि अभी तक लोगों में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन शायद अपने वक्त पर ना हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानिश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में हमें अब किसी किस्म का तजब्जुब दूर कर देना चाहिए, और बहुत हो गया है मुख्तलिफ जिहाद से इस किस्म की कोई खबरें चल पड़ती थी कि जिससे आम आदमी के जहन में फिर सवाल उठता था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, 8 तारीख को होंगे या नहीं होंगे। लेकिन अब जो लोगों ने तैयारी की है, तमाम पार्टियों ने, उनके उम्मीदवारों ने, और आम आदमी भी अब वोट डालने के लिए तैयार हो गया है, तो अगर वक्त पर होते हैं तो अब हो जाने चाहिए। क्योंकि मुसलसल कौम को तजव्जुब में रखना ये एक मुस्तकिल मसला बन जाता है, और अब हमें एक सुई की तरह जाना चाहिए। अच्छा सर, ये एक बहुत अहम सवाल होगा, क्योंकि हमने देखा है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ वक्त में जो टर्न आउट रहा वो काफ़ी तब्दील होता रहा। सबसे ज़्यादा जो टर्न आउट था वो 1970 का था, 63% था, और अभी 2018 और 2013 में 57 और फिर 51 हुआ। अच्छा, अब जो सूरत हाल है उसमें दहशतगर्दी का अंसर भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी निशानदेही आपने भी की है। मौसम बहुत सर्द होगा, ख़ासतौर पे केपी के और बलूचिस्तान के हवाले से। तीसरी तरफ जो है वो ये है कि जी आवाम जो है वो बदतरीन इस वक्त मसाइल का शिकार है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, और इसके साथ महंगाई है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, टर्न आउट कितना रहेगा सर इस इलेक्शन में? देखिए, इस हवाले से तो हम अपना फ़र्ज अदा कर चुके हैं। ना एस्टेब्लिशमेंट अब ये कह सकती है, ना हमारी अदालत ये कह सकती है, ना हमारे इलेक्शन कमीशन ये कह सकती है कि किसी ने इस हवाले से कोई बात ही नहीं की। हमने मुसलसल ये बात दोहराई कि अब ये वो फरवरी नहीं जिस ज़माने में लोग हवाला देते हैं कि वो भी तो फरवरी भी हुआ था। कुछ दुनिया के मौसम तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब ठंड जो है वो फरवरी पर भी मुहित रहती है। तो हमारे यहाँ तो जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर तो इतनी ठंड है कि इन्हीं दिनों में, यानी एक हफ्ता जो गुजर रहा है या जो गुजर गया है, डेरा इस्माइल खान जैसे गर्म इलाके, लक्की मरवत, मुल्तान, उन इलाकों में भी टेम्परेचर जो है वो 2 और 3 पे आ गया था जी। तो इस हवाले से तो हम बारहा जब बात करते रहे हैं तो हमारे कुछ बरखुरदारान भी हमारा मजाक उड़ाते हैं कि जी ये तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से भागने की बात नहीं है भाई, आवाम को सही बात बतानी चाहिए। आवाम इलेक्शनों से हम भागने वाले लोग नहीं हैं, इलेक्शनों से हम भगाने वाले लोग होते हैं। तो हमने जिन लोगों को इलेक्शन से निकालना था वो उनको हम निकाल चुके हैं इंशाअल्लाह, और ऐसी कोई ख़तरे की बात नहीं है हमारे लिए। हम बड़े खुद एतमादी के साथ सियासत करते हैं, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं होता और ना हम कोई टेंशन लेते हैं, हम टेंशन दिया करते हैं।
ये सूरत हाल जो है इस वक्त, और फिर बदअमनी के हवाले से हजरत, ये जो मेरा दौरा था अफगानिस्तान का, एन इलेक्शन के दिनों में, एन उस वक्त जब शेड्यूल आ चुका था और हमें कैंपेन चलानी चाहिए थी यहाँ पर, ये क्या चीज़ थी? ये सिर्फ खित्ते में और पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस क़याम अमन की तलाश में निकला था मैं, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को जो लोग ख़राब कर रहे थे उनकी इन साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मैं गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब होकर वहाँ से वापस आया हूँ, और कुछ हालात सुधरेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, और आने वाला मुस्तकबिल जो है वो उसके बारे में हम पुरउम्मीद हैं। हाँ, ज़रूरी है कि इस वक्त मुस्बत सफारती रवैयों की ज़रूरत है दोनों मुल्कों के दरमियान, अफगानिस्तान के दरमियान भी और पाकिस्तान के दरमियान भी, और अच्छे रवैयों से फिर एक अच्छा माहौल बनता है और उससे ताल्लुकात पर मुस्बत असरात पड़ते हैं, दोनों मुल्कों की तरक्की के रास्ते खुलते हैं और खित्ता पुरअमन होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जुग्राफियाई हैसियत ऐसी है कि अगर यहाँ पर अमन है, दोस्ती है, मोहब्बत है, एतमाद है, तो ये पूरे बरसगीर के लिए और पूरे एशिया के लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगे ये ताल्लुकात और उनकी तरक्की की राहें खुलेंगी। तो मैं तो अमन की भीख मांग रहा हूँ, अमन की तलाश में दर बदर फिर रहा हूँ, और ये लोग समझते हैं कि शायद मैं कोई ऐसी सियासी बातें कर रहा हूँ कि जिसका कोई मेरा कोई और मकासद है। मैं इन चीज़ों को हकीकत समझता हूँ, मेरे सामने से सारी चीज़ें गुजर रही हैं, और आपको मैं ये भी बता दूँ कि इस इंतखाबी मुहिम में अपने इलाके के अंदर कितने कितने वाकयात वो हुए हैं जिसका हम जिक्र तक नहीं कर रहे, ताकि लोगों पर कोई मनफी असर न पड़े उसका, लेकिन हम गुजार चुके हैं। टर्न आउट कितना होगा सर? टर्न आउट समझते हैं कि कम रहेगा, जाहिर है जो सूरत हाल आप बता रहे हैं। देखिए देखिए, तमाम अवामिल को जब इकट्ठा किया जाए, खौफ को भी और ठंड को भी, और फिर जो हमने 2018 के इलेक्शन के बाद खासतौर पर जब धांधली हुई है और धांधली की पैदावार एक हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बट्टा बिठा दिया, तो इससे अवाम के एतमाद पर असर पड़ा है। और लोग एक तो सर्दी की वजह से बहुत से इलाकों में वोट नहीं डाल सकेंगे, और फिर खौफ की वजह से लोग नहीं निकल सकेंगे, फिर जो अमूमी तौर पर ये गुज़श्ता जो दौर गुजरा है और उसने मुल्क की मईशत को तबाह किया है, तो अमूमी तौर पर सियासतदानों पर से भी आवाम का एतमाद उठ रहा है कि ये तो हमारे लिए शायद कुछ नहीं कर रहे, ये तो मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं, इनके पास तो कोई मनसूबाबंदी ही नहीं है, पता नहीं किसके एजेंडे पर वो पाकिस्तान की मईशत को कमजोर कर रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें जब इकट्ठी हो जाती है तो अब इसमें हमारी कोशिश होगी कि लोग निकलें, लोग खुद एतमादी के साथ वोट दें, और इस ख्याल से कि भाई ऐसे लोग आए कि जो हमारे मजहब के भी तहफ़ करें, हमारी तहजीब की भी तहफ़ करें, हमारी मईशत की भी तहफ़ करें, और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए ठीक कोई किरदार अदा करें। ठीक है, लेकिन सर मसला ये है कि टर्न ओवर, आपके कहने का मतलब है टर्न ओवर जो है वो कम होगा काफ़ी। अब मैं आता हूँ सर, अहम तरीन एक सवाल है वो ये है कि सर एक तरफ अफगानिस्तान इशू है, TTP है, मुसलसल दहशतगर्दी कर रही है, धमकियाँ भी हैं, आप इसको फेस भी कर रहे हैं KPK बलूचिस्तान में, फिर एक तरफ इंडिया का बॉर्डर है जो मुसलसल साजिशें करता रहता है, अब एक ईरान इशू पैदा हो गया सर, जो आप कल भी ये आपने देखा कि, तो ऐसी सूरत हाल में 1-2 लाख पौने 3 लाख फौज इंतखाबी अमल को करेगी आके, या वो बॉर्डर को सेफ करेगी, पाकिस्तान की सालमियत को बचाएगी सर? ये सवाल बहुत अहम है, लेकिन हम इन मुश्किलात से गुजर रहे हैं। देखिए 3.5-4 लाख तक अगर हमारी फौज, मुसल्ला अफवाज, वो पोलिंग स्टेशनों को कंट्रोल करने, इलाके में क़याम अमन के लिए खुद जो है फील्ड में आए, तो इसका माना यह है कि चाहे वो पुलिस हो, चाहे रेंजर्स हो, चाहे वो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी हो, चाहे वो फ्रंटियर कोर हो, ये वो नाकाफी हो गए हैं, और अब बाकायदा पूरी बाकायदा फौज को हमें मैदान में लाना पड़ रहा है ताकि हम वहाँ पर अपना अमन अमान को यकीनी बनाएं। और जाहिर है कि जब अमन अमान का मसला एक इंतहाई अहम अनसर के तौर पर इंतखाबात के माहौल में शामिल होगा, तो फिर उन्होंने फिर ज़्यादातर तरजीहात उनकी लॉ एंड ऑर्डर का मसला ही होगा, उनका सिक्योरिटी का मसला होगा, तो उससे जो पोलिंग स्टेशन तब्दील होंगे
और पुलिस स्टेशनों को उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से मुतयन करना होगा, तो वहां तक फिर आवाम की पहुंच का भी मसला बनेगा, क्योंकि दोनों चीजें जो है अलग अलग जरूरतों के हामिल होती है। आम आदमी चाहता है कि पोलिंग स्टेशन मेरे करीब हो ताकि मैं वहां जाऊं, तो उससे टर्न आउट ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन अगर पोलिंग स्टेशन में ऐसी तब्दीली की जाए कि जो शहरों के करीब हो, शहरों के अंदर हो, जहां पर सिक्योरिटी का मामला हमारे लिए आसान हो, तो फिर आम आदमी की वहां पर पहुंच भी कमजोर होगी। और मैं एक बात ये भी अर्ज कर देना चाहता हूँ कि ये जो माहौल बनेगा कि आवाम अगर नहीं निकल सकेंगे, या जहां पर ठंड होगी बहुत ज्यादा, या जहां खौफ होगा, तो उस सूरत हाल में फिर धांधली के लिए भी मौके बहुत अच्छे अच्छे मुयस्सर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें इंतखाब की गिर्द जो है खतरात घूम रहे हैं। बहुत सही। अच्छा सर, ये जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, कहा यह जा रहा है, बहुत अहम तरीन जगहों पर कहा जा रहा है कि ये, इसमें इंतजामिया को भी जानिबदार कहा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को भी जानिबदार कहा जा रहा है, यानी जानिबदार कहने वाले आम पाकिस्तानी तो छोड़ें सर, पाकिस्तान के अहम तरीन जो सुप्रीम पाकिस्तान बार काउंसिल्स है, जो एक बहुत ही इलेक्टेड बॉडी है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, और मुख्तलिफ तजिया निगार हैं, दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो ये कहते हैं, सियासी जमातें भी इस चीज़ को सामने ला रही हैं कि ये इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान का मतनाज़ा तरीन इलेक्शन है, और अगर ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है, तो फिर सर इसमें गरीब आवाम, गरीब मुल्क का 50 अरब रुपए ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है सर, जिसे हुकूमत देनी है उसे दे दें। ये तो मैं कह रहा हूँ, हम जब ऐसी बात करते हैं तो इसका क्यों संजीदा नहीं लिया जाता इन चीज़ों को, ना हमारी एस्टेब्लिशमेंट इसको संजीदा ले रही है, ना इंतजामिया इसको संजीदा ले रही है, ना अदलिया इसको संजीदा ले रही है, ना इलेक्शन कमीशन इसको संजीदा ले रही है, ना सियासी पार्टियां उसको संजीदा ले रही हैं, और पता नहीं अपनी तरफ से कोई उसको मानी और मफहूम पहना देते हैं। मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को संजीदगी से देखना चाहिए, वरना हमने तो पहले इलेक्शन लड़ना है, वो तो जो भी हालात होंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि अगर 2018 के बाद फिर एक इलेक्शन मुतनाज़ हो गया, और जाहिर है कि उसको मुतनाज़ बनाने वाला और कोई नहीं है सिवाय PTI के, कि वो मुजरिम भी है, पाकिस्तान की मईशत के तबाह करने का जिम्मेदार भी है, अखलाकियात को तबाह करने का जिम्मेदार भी है, बाहर के एजेंडे को पाकिस्तान पर मुसलत करने का जिम्मेदार भी है। ऐसी पार्टियां जो बाहर से बनकर आती हैं और बाहर से एजेंडा बनकर पाकिस्तान पर मुसलत की जाती हैं, वही लोग वावेला कर रहे हैं जो खुद एक धांधली की पैदावार हैं। वो अब आने वाले इलेक्शन के बारे में ये वावेला कर रहे हैं कि ये तो मुतनाज़ा होगा, ये तो मुतनाज़ा होगा। मेरे ख्याल में हमें इस बात से निकलना चाहिए, और या फिर अगर इत्मीनान नहीं है तो तमाम इदारे बैठ कर सोचे कि अगर आज हम इस माहौल में सिर्फ ये देखते हैं कि आईन का तकाजा है कि इतनी दिनों में इलेक्शन हो और ये हो, तो आईन के तकाजों को अपनी जगह एहतराम हासिल है, लेकिन अगर हमें माहौल नहीं मिलता तो फिर माहौल को बनाने के लिए अगर कोई वक्त दे दिया जाता तो कोई आसमान न गिरता। लेकिन अब यह है कि इस किस्म की सूरत हाल से शायद मामला आगे निकल चुका है, और अब इलेक्शन होने चाहिए, और किसी को यह हक नहीं है कि वो इलेक्शन से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने के लिए वावेला करें। ये मुल्क के खिलाफ साजिश होगी, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के खिलाफ साजिश होगी, और इस किस्म की किसी बात पे हमें उलझना नहीं चाहिए। नतायज को देख लेते हैं, ठीक है, नतायज आ जाएंगे, पता चल जाएगा कि धांधली है या नहीं है। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये है कि नतायज को देखते हैं। लेकिन सर एक और बड़ी अहम सवाल है जो आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये है सर कि ये जो भी सूरत हाल है उसमें जो बनने वाली हुकूमत है, आप क्या देख रहे हैं कि कोई, क्योंकि कहा यह जाता है कि कोई भी एक मौजूदा पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसको निकाल नहीं सकती। इसका मतलब है कि कोई कौमी हुकूमत की बात कर रहा है, कोई कॉलेट्रल हुकूमत की बात कर रहा है कि एक इत्तेहादी हुकूमत बने, और कोई ये भी कहता है कि हमें 2/3 मेजॉरिटी दो, हम सिंपल मेजॉरिटी दो। आप क्या देख रहे हैं इलेक्शन के बाद किस किस्म की हुकूमत को सर? ये सिंपल मेजॉरिटी दो और 2/3 मेजॉरिटी दो, इसमें मुखातब कौन है, किससे कहा जा रहा है? ये देखिए अवाम पे छोड़ दिया जाए, अवाम जिसको वोट देंगे उसके मुताबिक नतायज आने चाहिए। अगर अवाम की राय से हटकर कोई नतायज मुरतब किए गए तो फिर ये उसको मुतनाज़ बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगी किसी को। तो पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं है कि 2018 के मुतनाज़ इलेक्शन के बाद फिर एक इलेक्शन ऐसा आए जो मुतनाज़ हो, तो इसलिए अवाम की जो राय है अवाम पे छोड़ दी जानी चाहिए। फिर हुकूमत किसकी बनती है वो सियासतदान बेहतर जानते हैं। सियासतदानों ने
बार बार इस बात का सबूत दिया है, हम पार्लियामेंट में बैठे रहे हैं, हमारे पास बड़े कौमी सतह के मामला सामने आए हैं, 18वीं तरमीम का मसला सामने आया है और खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल मुतयन करने का मरहला सामने आया है। हमने तमाम पार्टियों ने बैठकर वहां पर जिस बालग नजरी का सबूत दिया है, हमें अभी भी हमें कोई नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। सियासत में बचपना नहीं होना चाहिए, सियासत में धोखा नहीं होना चाहिए, सियासत में किसी बैरूनी एजेंडे के तहत हुकूमत नहीं करनी चाहिए। तो अपने मुल्क और अपने वतन परस्ती की बुनियाद पर जब हम सियासत करेंगे तो तमाम पार्टियां पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी सोच रखती हैं। बाहर की सोच अगर पाकिस्तान में आएगी तो फिर वो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा, तो हम उनके तरजीहात के मुताबिक मुल्क को हांकेंगे। ठीक है सर, असल में मसला ये है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत दिनों से हम सुन रहे थे कि ये मुफाहमत की सियासत होगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पहली तकरीर में कहा कि हम सबको ले कर चलेंगे, लेकिन सर क्या आप समझते हैं कि माजी से पाकिस्तान के सियासतदानों ने माजी से कुछ सीखा है? सर कुछ सीखा है? चलें हम सियासतदानों के साथ इदारों को भी ले लेते हैं कि उन्होंने इस माजी से कुछ सीखा है। एक दूसरा ये कि हम तो ये देख रहे हैं कि इख्तदार के लिए कोशिश हो रही है, मुफाहमत तो कहीं से नज़र नहीं आ रही है, और एक दूसरे पे संगीन गोलाबारी हो रही है, इल्ज़ामात लग रहे हैं। एक तरफ जो है वो इलेक्टेबल्स को पकड़ा जा रहा है, अदम एतमाद वालों को पकड़ा जा रहा है, सीट एडजस्टमेंट हो रहा है और इत्तेहाद बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है। तो सर क्या पाकिस्तान के सियासतदानों ने अब जबकि हम इस जगह पर खड़े हैं कुछ सीखा है माजी से? सियासतदानों ने बहुत कुछ सीखा है, सियासतदानों को बात समझ में आ रही है, लेकिन जब गैर सियासी अनासर सियासत में दाखिल हो जाते हैं वो सारे तालाब को गदला कर देते हैं। उनकी जिम्मेदारी तमाम सियासत और सियासतदानों पे क्यों डाली जा रही है? हाँ अलबत्ता जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, उनको भी सोचना चाहिए और बड़ी संजीदगी के साथ इस बात को सोचना चाहिए कि मुल्क कहाँ खड़ा है और हमने इस मुल्क को आगे कैसे ले जाना है। लिहाजा जो भी हुकूमत बनती है, जाहिर है कि एक पार्टी अक्सरियत जब हासिल करती है और वो हुकूमत हासिल करती है तो वो अकेले खुद हुकूमत नहीं चलाया करती, और उसके पास ज़रूर एक विजन होता है, एक सोच होती है, लेकिन तमाम इदारे उसमें अपना राय देते हैं, अपना इनपुट देते हैं और तमाम के मशावरत के साथ मुल्क फिर आगे बढ़ता है। तो हम एक कौमी सोच के साथ जब हुकूमत बनाएं तो उसके साथ हमें आगे चलना चाहिए। हमारे यहाँ हिजब इख्तलाफ भी होगा, लेकिन हिजब इख्तलाफ भी जब ये सोचता है कि हमने तनकीद करनी है और एक तामीरी तनकीद करनी है तो उससे भी बड़े अच्छे नतायज सामने आ जाते हैं और हुकूमत को भी एक सही रुख उससे मिलता रहता है। अगर हम सिर्फ एक दूसरे को गिराने, बदनाम करने, अवाम में उसकी कदर कीमत को कम करने इस मुहिम जोई पे लग जाते हैं तो यही फिर मसाइल पैदा करते हैं। हमें संजीदा होकर अब आने वाले मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ना होगा। बहुत नुकसान हो चुका है, हमारे मुल्क की मईशत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब एक बार फिर हम दिवालियापन के किनारे खड़े हो गए हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हमारे साथ हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक जी मौलाना साहब, एक बात ये बताएं कि जाहिर है कि ये जो इलेक्शंस के बाद इत्तेहाद होते हैं उसमें मुल्की मफाद भी देखा जाता है, अपनी पार्टी का मफाद भी देखा जाता है, और भी बहुत से फैक्टर होंगे, लेकिन ये बताइए कि क्योंकि आप बज़ाहिर तो आज भी दो बड़ी सियासी जमातें हैं और JUI का बहुत अहम रोल रहेगा इस इलेक्शन के बाद भी, तो आने वाले वक्त में दोनों माजी में आप दोनों सियासी जमातों से बहुत करीब रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और PMLN से भी, तो अब ये सवाल हम ज़रूर पूछना चाहेंगे सर कि इलेक्शन के बाद अगर इत्तेहाद की ज़रूरत दोनों जमात को होती है और वो अलग अलग एक अच्छा मैंडेट लेते हैं और JUI फैसला कुन जगह पे खड़ी होती है तो किस जमात को सपोर्ट करेगी सर, पीपल्स पार्टी को या PMLN को? देखिए बात यह है कि वो हमारे यहाँ कहते हैं कि अभी जानवर ज़बह नहीं हुआ था और लोग जो है वो बर्तन जो है सरों पे ले फिर रहे थे कि भाई मुझे इतना गोश्त दो, जरा वो माहौल तो आ जाए, फिर उस माहौल में जमातें जो है वो बड़ा अच्छा फैसला करती हैं।
अभी से हम ये क्या तासर दें कि हमारा झुकाव किसकी तरफ है और किसकी तरफ नहीं है। हमें मुल्क की बेहतरी के लिए सोचना होगा और मुल्क की बेहतरी के लिए सोचने में अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए इस्लाम के पास विजन भी है, उसके पास एक नज़रिया भी है, उसके पास एक सोच भी है और एक तजर्बा भी है। हमने हुकूमतें नहीं की लेकिन हुकूमतों के इतने करीब तो रहे हैं कि मुल्क के मामलों को तो समझते हैं और ये तो जानते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या होनी चाहिए, उसकी बुनियाद क्या होनी चाहिए, मुल्क की मईशत को कैसे मुस्तहकम करना चाहिए, दुनिया के मफादात अपने साथ हमने कैसे वाबस्ता करना है, मुल्क वसायल को हमने कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह आम आदमी के लिए हमने सहूलतें बहम पहुँचानी है, मेगा प्रोजेक्ट्स कहाँ से लाने हैं, कैसे लाने हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले वक्त में इसके फैसले होंगे। इलेक्शन से पहले मेरे ख्याल में इस बारे में कोई वाजिया राय देना ये तो मुश्किलात पैदा करने वाली बात है। अच्छा सर, केपीके और बलूचिस्तान जहाँ JUI बहुत मजबूत है, क्या आप इस दफा हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आपको नजर आ रहे हैं सर? जो अवामी सतह पर तासर हमें मिल रहा है अवाम के सफ़ों से, उसमें तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि या तो JUI खुद हुकूमत बनाएगी या JUI की क़ियादत में हुकूमत बनेगी। अच्छा सर, बहुत सही बात की आपने। मैं जो क़यादत की बात की उसमें एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि बहुत अहम है इस वक्त ये सवाल कि ये बताएं सर कि आपका एक बड़ा इत्तेहाद जो है वो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ नज़र आ रहा है JUI का, जिसमें GDA भी है, PMLN को भी शामिल किया गया है, MQM भी किसी जगह शामिल हो गई है, तो ये इत्तेहाद तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ है, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि KPK और बलूचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर JUI इत्तेहाद करे और हुकूमत बनाए? देखिए, इस वक्त तो हम एक पार्लियामानी ताकत बनाने की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन का माना यही होता है कि कौन सी पार्टी कितना मैंडेट लेती है और उसकी क्या पार्लियामानी ताकत बनती है। तो जाहिर है कि इलेक्शन से पहले तो इस बात पर सारी नजरें मरकूज होती हैं कि हमने पार्लियामानी ताकत कैसे बनना है, अपनी सीट कैसे निकालनी है। तो उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमातों को इख्तियारात दिए हुए हैं कि आप किसी भी पार्टी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो सूबा सिंध में भी पार्टी ने ये फैसला किया है कि हमने किसके साथ एडजस्टमेंट करनी है, कैसे हमने इलेक्शन लड़ना है, किसके खिलाफ लड़ना है। लेकिन एक बात मैं बड़ी वाज तौर पर कह देना चाहता हूँ, हम अपने नज़रिए की बात ज़रूर करेंगे और जिसको हम मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह समझते हैं हम उसको भी लोगों के सामने वजाहत करेंगे, लेकिन हमारी गुफ्तगू में तलखी नहीं होगी, हमारी गुफ्तगू में एहतराम बरकरार रहेगा, वक़ार बरकरार रहेगा, ताकि कल हम जब दोबारा एक दूसरे की ज़रूरत बनेंगे इलेक्शन के बाद तो हमें एक दूसरे के मिलने में कोई हिजाब महसूस ना हो और हम आसानी के साथ मुल्क की बेहतरी के लिए कोई फैसला कर सकें। अच्छा सर, ये PMLN वाले भी ये दावा कर रहे हैं कि चौथी दफ़ा मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और ये स्टेटमेंट शायद उनका भी मौजूद है और उनके सदर का भी है कि जी आ गए हैं, और तकरीबन इसी बुनियाद पर कई लोगों का सवाल है कि ये सिलेक्शन हो रही है, इलेक्शन नहीं हो रहा है। मैं इस पे जाने के बजाय, क्योंकि पहले ही मैं सवाल कर चुका था सिलेक्शन इलेक्शन का, मैं इस पे आता हूँ सर कि अगर PMLN की ही हुकूमत बन रही है जो कि जिसके साथ वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ, इलेक्टेबल्स भी उन्होंने तोड़ लिए हैं, MQM, बाप और पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी और वो जो जिन्होंने अगेंस्ट में वोट फेवर में वोट दिया था अदम एतमाद का, उनको भी सीट दी है, तो अगर PMLN की हुकूमत बनती है तो आप माशाल्लाह एक बड़े जीरक सियासतदान हैं, मैं आपसे थोड़ा सा राय लेना चाहता हूँ कि सिस्टम के लिहाज से, आप सिस्टम समझ गए होंगे सर, सिस्टम के लिहाज से PMLN के वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब बेहतर होंगे या शहबाज शरीफ साहब बेहतर होंगे? मैं किसी भी पार्टी के अंदर के मामलों से बात नहीं करूंगा और न मैं किसी दूसरे के घर में झांकने का आदि हूं। ये तो मुस्लिम लीग का अपना फैसला होगा कि वो किसकी क़यादत में अपनी हुकूमत कायम करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हर चंद के मुस्लिम लीग नून भी इलेक्टेबल्स की तरफ जाती है इलेक्शन में और मकामी तौर पर जो लोगों को अपने कबीले में, अपने इलाके में एक कबूलियत हासिल होती है, चाहे उनकी नज़रियाती तशख़्ख़ुस का तायुन हो या ना हो, लेकिन वो उनको लेने की कोशिश करती है। इसमें
मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसको हम कह सकें कि उन्होंने इस तरह की सियासत नहीं की। इसकी मजबूरी हर पार्टी को हो जाती है, लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कुछ नज़रियाती हवाले से आगे बढ़ना है। जहाँ तक है मियां नवाज शरीफ साहब की बात, मुझे चूंकि उनके साथ काम करने का वक्त मिला है और मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के लिए तवील उल्मुद्दत मंसूबों की सलाहियत भी रखते हैं और उसके लिए फिक्रमंद भी रहते हैं, तो अगर उनकी हुकूमत बनती है तो मैं तो चूंकि उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, मैं कोई ज़्यादा ना उम्मीद नहीं हूँ, इंशाल्लाह बेहतर सूरत सामने आ और जाएगी। शहबाज शरीफ साहब उनके साथ भी तो काम किया है सर आपने। लेकिन पार्टी तो एक है ना जी, पार्टी की क्यादत जो है वो मैं 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 लीडरशिप की बात मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, वजीर आजम की सर। वही कह रहा हूँ ना जी कि लीडरशिप का तायुन पार्टी खुद करेगी, तो जो भी पार्टी फैसला करेगी वो उसका ताल्लुक पार्टी के साथ है। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी दूसरी पार्टी के बारे में कहूं कि वज़ीर आज़म अलिफ को होना चाहिए या बी को होना चाहिए। चलें सर, मैं सर एक और बहुत अहम सवाल से आया हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया है अगले सदर का जो ओहदा खाली हो रहा है उसके लिए आसिफ अली जरदारी साहब का नाम है, और आपका नाम जो है वो गूंज रहा है सर कि मौलाना फजल रहमान साहब अगले सदर होंगे, तो अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि सर यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ होगा या आपको अगर ये ओहदे की पेशकश की जाती है तो आप इसे कबूल करेंगे सर? देखिए बात यह है कि जब हम पार्लिमानी सियासत करते हैं तो पार्लिमानी सियासत का ये हिस्सा है कि आप प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ सकते हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन भी लड़ा है और मैंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी लड़ा है, और आइंदा भी अगर ऐसे मौके और हालात बनते हैं तो हम क्यों पीछे रहेंगे, हम अपने आप को आगे लाएंगे। और इसका भी ज़्यादातर दारोमदार नतायज पर है कि क्या ऐसा इलेक्टोरल कॉलेज हमें मिलता है कि जिस पे हम इस पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ सकेंगे। अगर हमें ऐसे माहौल मिल जाता है तो फिर इस पोस्ट के लिए खुद को आगे लाना या उसके लिए इंतखाबात लड़ना ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये एक दस्तूरी हक है। बहुत सही कहा बात सर आपने। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। अच्छा सर ये बताइए कि आप एक दीनी सियासी जमात हैं और पाकिस्तान के अंदर दीनी सियासी जमात को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक जो है वो जीतने नहीं दिया जाता है। एक तासुर है या हकीकत है जो कुछ भी है, इंटरनेशनल प्रेशर है या किसी और का प्रेशर है कि दीनी सियासी जमातें अवाम में मकबूल होने के बावजूद बैलेट में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकती हैं, इलेक्शन में रिजल्ट इतना नहीं ले सकती हैं। तो अगर बैरूनी दुनिया या दूसरे लोग दीनी सियासी जमातों को आगे बढ़ने नहीं देते हैं तो दीनी सियासी जमातें कम से कम खुद इत्तेहाद भी तो कर कर अपने आप को मजबूत कर सकती हैं। क्या वजह है कि दीनी सियासी जमातों में हमने इत्तेहाद MMA के वक्त देखा था और फिर उन्होंने हुकूमत भी बनाई थी, अब बिखरे हुए हैं, अब दीनी सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने को तैयार नहीं है? ये दो बात लिखी हैं। पहली बात तो ये है कि दीनी जमातों को या मजहबी जमातों को आगे नहीं आने दिया जाता, इस पे कोई शक नहीं है कि बैन अल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मजहबी जमातों को पाकिस्तान की बड़ी सियासी क़ुव्वत नहीं बनना चाहिए। इस कदर असम्बली में हों कि वो असम्बली के अंदर ज़रा मसरूफ़ रहें और उनकी आवाज़ जो है वो असम्बली तक महदूद रहे, सलाहियतें तवानाइयाँ जो हैं वो एक कुएँ के अंदर उनकी वो सर्फ होती रहें और किसी समंदर में न उतर सके या समंदर न बन सके, इस पर तो कोई शक नहीं है। और हमेशा इस महाज पे हमें इस किस्म की शिकायत रही भी है, लेकिन हम मुकाबला कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे रही बात यह कि दीनी जमातों का इत्तेहाद, बिल्कुल मैं इसके हक में था भी और हूँ भी कि लेकिन ये ज़रूरत की बुनियाद पर हुआ करती है। इस वक्त जो जमीयत उलमाए इस्लाम का की पोजीशन है वो एक ऐसी कुव्वत इख्तियार कर गई है कि वो अब तकरीबन तमाम मजहबी माहौल की नुमाइंदगी कर रही है, और बाकी जो हमारे मजहबी तंजीमें हैं
या तो वो फिर कवारियत में महदूद हो गई हैं और या उनका कोई सियासी माहौल नहीं बन पा रहा है। हमें आवाम तक जाना चाहिए और आवाम के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो फिर कवारियत से बारातर होना चाहिए। पाकिस्तान में सब लोग रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, नॉन मुस्लिम भी रहते हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकातिब फिक्र भी रहते हैं। हमें ये सोचना है कि आज मेरे पास हुकूमत नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास हुकूमत आए तो क्या आईने पाकिस्तान मुझे किसी एक के साथ भी किसी तासुब की इजाज़त देता है? क्या मुझे आईने पाकिस्तान किसी एक की हक तलफी करने की इजाज़त देता है कि मैं किसी के हक को तलफ करूं? जब नहीं देता तो मुझे हुकूमत पे आने से पहले भी वही रवैये अपनाने होंगे जो हुकूमत बनने के बाद आईन मुझ पर वो जिम्मेदारियां आयद करता है। लिहाजा हमारे रवैये है वो हर चंद के हमने कोई अपनी मजहबी शनाख्त जो है तहलील नहीं की है, लेकिन हमने अपने रवैये से साबित किया है कि हम पाकिस्तान में पाकिस्तान के आवाम की बात करते हैं, हर पाकिस्तानी की बात करते हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात करते हैं, मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से वाबस्ता लोगों की बात करते हैं। और ठीक इसके अलावा एक माहौल मौजूद है, इस माहौल में हमें आगे बढ़ना होता है। ठीक और हम इस वक्त जमीयत उलमा इस पोजीशन में है कि मैं ये दावे से कह सकता हूँ, और मैं एक दफा पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ कि हम इस्लाम और उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इससे आगे बढ़कर हम इंसानियत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और हमें किसी एक तंग और महदूद दायरे तक हमारे तरफ उंगली न उठाई जाए। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वैसे तो सर एक पूरी दुनिया में हमें देखने को आया है कि 40 साल से जो वज़ीर आज़म का कैंडिडेट था या मुशीर थे या वज़ीर थे, वो किसी दुनिया में हमें नज़र नहीं आते सवाए पाकिस्तान में, कि आज भी पाकिस्तान में 40 साल से ज़्यादा वही लोग नज़र आ रहे हैं, मुशीर, वज़ीर और वज़ीर आज़म। हालांकि ये इसमें नए चेहरे भी आने चाहिए, नए चेहरे से मुराद पुरानी सियासत करने वाले नए चेहरे हों और नए नौजवान सियासतदान भी हों। तो एक तो ये थोड़ा सा इस पे कमेंट दीजिएगा, और दूसरा, बिलावल भुट्टो एक नया आपके नए चेहरे हैं, बड़ा वलवला है उनमें, कहा जा रहा है बड़ा जोश है, और अपने जो अपने नाना और अपनी माँ की उस फीलिंग्स को लेकर दोबारा पंजाब में आए हैं। एक ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब का किला थी, खुद भी लाहौर से एक चैलेंज के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनकी सियासत जो पंजाब में इंटर हुई है और बड़े बड़े वो जलसे कर रहे हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, तो हर पार्टी को हक हासिल है, अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में आती है और पंजाब में इलेक्शन कंपेन चलाती है तो उसका पूरा हक है। किसी जमाने में वो पंजाब में अक्सरियत हासिल करते थे, अगर दोबारा उस इमेज को वो बहाल करने की तरफ जाते हैं तो ये उनका एक जमहूरी हक है, मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ आपने बात की है नए चेहरों की, तो मैं अपनी बात नहीं करूँगा, नौजदा नसरुल्ला खान मरहूम की बात करूँगा। वो फरमाया करते थे कि नए चेहरे फिल्मों में हुआ करते हैं, सियासत में नहीं हुआ करते। अच्छा सर, ये बताइए कि ये एक बहुत दो है बड़े अहम सवाल है सर, और एक ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ठीक है 9 मई का जो वाकया हुआ उसके जिम्मेदारों को सज़ा दी जाए या जिन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की है उनको सज़ा दी जाए, लेकिन पार्टी तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है, उसमें लोग मौजूद हैं, उनके वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में है, कहा जाता है पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, उसका बल्ले का निशान, इंतखाबी निशान छीन लिया गया, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है, उसको आपके क्या कहते हैं कॉर्नर मीटिंग नहीं करनी दी जा रही है, इंतज़ामिया उनके लोगों को गिरफ्तार कर रही है जिन पर कोई केसेस भी नहीं है, तो सर ये मुल्क के लिए, जम्हूरियत के लिए नुकसानदेह नहीं है ये जो शिकायत है सर, किसको आप कैसे देखते हैं? हजरत, हम सियासी लोग हैं और हम पर मुकाबला करते हैं, मुकाबला जीता भी है, उनकी नाजायज हुकूमत बनी और फिर उसको गिराई भी है, और वो पता नहीं अपने आप को अहमियत देने के लिए पता नहीं क्या से क्या बातें बना लेते हैं। ये जो इस वक्त सूरत हाल है ये सियासतदानों या सियासी पार्टियों की तरफ से नहीं है, बल्कि ये बाकायदा हमारे इदारों की तरफ से है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, अदालतों की तरफ से है। अदालतों के फैसले अगर मुस्लिम लीग के खिलाफ आते हैं और वो कानून और आइन की रोशनी में होते हैं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ आते हैं, उनकी अहम शख्सियात के खिलाफ आते हैं, तो आज अगर वही 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 कोर्ट, वही अदलिया
वो फैसला करती है, या इलेक्शन कमीशन एक फैसला करती है, या हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक राय कायम करती है, तो उस हवाले से आज क्यों ये कहा जाता है कि ये कोई उनके साथ जानबदारी हो रही है? जब इनकी जब इलेक्शन हो रहे थे पिछले, तो नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के लोग जेल में थे और उनकी पूरी क्यादत जो है जेलों में थी, खानदान जेलों में थे, तो उस वक्त तो ये कहते थे कानून की नजर में सब बराबर हैं। यानी रियासत मदीना का लफ्ज जब इस्तेमाल करते थे तो उसकी तशरीह ये करते थे कि कानून की नजर में सब बराबर हों। लेकिन ये अजीब रियासत मदीना है कि जिसके तहत जिसके कानून में सब बराबर हैं लेकिन खान मुस्तस्ना है, वो फॉरन कोर्ट जाते हैं कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, ये कानून मेरे खिलाफ जो है मुतहरक नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो रियासत मदीना का बदनाम किया गया और इसके तकद्दस को तबाह बर्बाद कर दिया गया, ऐसे लोग जो न रियासत के मानी को जानते हैं न मदीना के तकद्दस से और उनके मकाम से वाकिफ हैं, और जबानी दो चार लफ्ज कहीं से सीख के फिर वो तकरीरों में बयान करना शुरू कर देते हैं, जिनको कुरान के अल्फाज तक नहीं आते, अरबी अल्फाज इस्तलाहात तक को वो इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं रखते, वो जब रियासत मदीना के नुमाइंदे बन जाएंगे तो आप बताएं कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने का जिक्र करेंगे या अब्दुल्लाह बिन उबै के मदीने का जिक्र करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए खान साहब का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? सर सियासी मुस्तकबिल नहीं है, और अगर उसके सियासी मुस्तकबिल के बारे में कोई सोच रहा है तो फिर ये भी सोचना चाहिए कि हम भी हैं। लेकिन सर माजी में हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनका लगा कि सियासी मुस्तकबिल नहीं रहा, आप मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता हूं, फिर वक्त ने दिखाया कि वही सिस्टम के लिए बहुत अहम इख्तियार कर गए। तो क्या कल इमरान खान अगर माफ़ी मांगते हैं और इस्टेब्लिशमेंट माफ़ कर देती है या दूसरे लोग माफ़ कर देते हैं और वो वापस सियासत में आ जाएं, तो आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे अमल को? अभी इसका जवाब देना मेरे ख्याल में वक्त से पहले होगा, ऐसी कोई सूरत हाल अभी ऐसे नहीं है कि हम मफरूजों की बुनियाद पर जवाब देना शुरू कर दें। तो मेरे वाले से फरमाया करते थे कि मैं ज्यादातर अगर मगर का जवाब नहीं दिया करता। वैसे सर ये बेहतर नहीं होता कि जिस तरह नवाज शरीफ को बांधा गया, दूसरों को बांध कर खान ने इलेक्शन लड़ा और वो इलेक्शन बराबर का नहीं था, तवाजुन नहीं था, इस दफा खान को बांध कर अगर इलेक्शन लड़ा जाएगा तो कुछ लोगों का ख्याल है कि ये तवाजुन का इलेक्शन नहीं होगा आखिर? नहीं, ये उनको बांधा नहीं गया और नहीं बांधना चाहिए, उनको बाहर रखना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की वफादार जमात नहीं है, ये पाकिस्तान के अवाम की वफादार नहीं है, ये बैरूनी एजेंडे की जमात है और मैं अपने मौके पर कायम हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त जो इलेक्शन का है वो हमें दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हुआ चाहता है, नाज़रीन डॉक्टर दानिश को याद दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।